दोस्तों, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने YouTube चैनल हुमा की रसोई में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल केसरी। दोस्तों, पाइनएप्पल बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, डाइजेशन में मदद करता है और इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही हेल्दी बनाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाइनएप्पल केसरी बनाने के लिए हमें चाहिए पाइनएप्पल। ये हमने फ्रेश पाइनएप्पल लिया है और आधा पाइनएप्पल लेकर के उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और अब हम इसको जार में डालेंगे और थोड़ा सा इसको मिक्सर में चला लेंगे। बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और 1.5 कप रवा, ये जो सूजी जिसको कहते हैं, ये बारीक वाली सूजी है, ये चाहिए। और 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने शक्कर लिया है क्योंकि पाइनएप्पल भी मीठा है, तो थोड़ा सा हम इसमें मिठास को कम रखेंगे और बाद में चेक कर लेंगे। अगर थोड़ा सा हमें चाहिए होगा तो हम और ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा चाहिए हमें केसर, ये हमने केसर को भिगो दिया है। थोड़े से 7-8 स्ट्रिप लेकर के भिगो देना है और तकरीबन 1/2 घंटे के लिए भिगो दें ताकि कलर जो है वो बहुत अच्छा सा निकल आए। और चाहिए पानी, ये 1 गिलास पानी लिया है और इसको हम बनाएंगे देसी घी से। आप चाहें तो रिफाइंड या डालडे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देसी घी हमने तकरीबन 4 चम्मच लिया है और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट में हमने लिया है काजू और बादाम कटे हुए। तो देखिए, हमने पैन में 1 चम्मच घी डाल दिया है और इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। बस जैसे ही थोड़ी सी अच्छी सी स्मेल आने लगी है तो अब हम इसमें डाल देंगे रवा। अब रवे को भी हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। फ्लेम को लो ही रखेंगे। देखिए, रवा जो है वो हमारा भून गया है, अच्छी सी स्मेल आने लगी है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं थोड़ा चेंज हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे और इसमें डाल देंगे शक्कर और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। शक्कर जैसे ही घुलने लगेगी हम इसमें डाल देंगे पाइनएप्पल। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखना है और अब इसको हम थोड़ी देर तक पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हमें इसको चाशनी में पकाना है। शक्कर पूरी घुल चुकी है तो हमने इसको टेस्ट किया तो थोड़ा सा हमें मिठास कम लग रही है, तो हम 1/2 कप शक्कर और ऐड कर रहे हैं। इसको भी अच्छी तरीके से पकने देंगे। देखिए, ये चाशनी के साथ बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे केसर जो हमने भिगो करके रखा था। फ्लेम को लो करेंगे और जो रवा हमने भून करके रखा है उसको इसमें डाल देंगे। जल्दी जल्दी चलाएंगे ताकि लम्स ना पड़े। देखिए, ये रवा जो है वो पक रहा है अच्छी तरीके से और थोड़ा सा ये गाढ़ा भी हो चुका है। और अब हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे। तो देखिए, हलवे ने साइड छोड़ दिए तो इसका मकसद अब ये तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अगर आपको इलायची पसंद है, इलायची की स्मेल, तो आप थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार है हमारा पाइनएप्पल केसरी।